नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के एसएमएस इंफेक्शियस डिजीज अस्पताल के कोरोना वैक्सीन सेंटर जाकर कोविड की वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की मौजूदगी में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया तथा वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर वैक्सीन के विषय में बताते हुए वैक्सीन को लगवाने की अपील कर कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, यह सुरक्षित है। प्राथमिकता क्रम से बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं व आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। अच्छा लग रहा है, बहुत ही हमने पहले ही कहा था राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 2-2 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और पूरे कंट्री का लगभग 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। तो जिस प्रकार कोरोना का मैनेजमेंट हमने शानदार किया था उसके कारण से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राजस्थान के अंदर, तो लोग आगे आ करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसीलिए 25% लगभग होना देश का, आप सोच सकते हो किस रूप में कामयाब रहा है ये। और अभी मंगलवार तक की वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में बात करने का हर्षवर्धन जी से। हम चाहेंगे टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो वैक्सीन, जिससे कि ये क्रम टूटे नहीं, ये मेरा मानना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज 24।